हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो कैसे हो आप लोग। सो जिस बुक की हम बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है इट एंड्स विद अस, और ये बुक लिखी है कोलिन होवर ने। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था वीडियो नंबर 3, अब यहाँ से शुरुआत होती है वीडियो नंबर 4 की, लेकिन एक्चुअली में ये बुक का चैप्टर नंबर 2 है। अब जो लूसी होती है ना, वो लिली की रूममेट होती है, जिसको गाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुनती थी, खुद ही गाना जोर जोर के गाती थी और सुना करती थी। अब वो क्या होता है, जो लूसी होती है ना, वो फटाफट लिविंग रूम में आती है, चाबियाँ ढूंढती है, जूते पहनती है, अपने जो सनग्लासेस है ना वो लेती है, और जो लिली होती है ना आराम से काउच पे बैठी हुई होती है, और जो उसके शू बॉक्सेस होते हैं ना उसके अंदर उसका पुराना सामान होता है, जहाँ वो पहले रहा करती थी ना मैने में, तो वहाँ अपने पापा के फ्यूनरल के लिए गई थी वो, तो वहाँ से वो सारा सामान ले आई थी। अब जो लूसी होती है ना, वो कहती है आज तो मैं ऑफिस नहीं जाना क्या। अब जो लिली होती है ना, वो कहती है नहीं, मैं ना छुट्टी पे हूँ मंडे तक। अब जो लूसी होती है ना, वो कहती है मंडे, लकी बेच यार। अब जो लिली होती है ना, वो कहती है हाँ लूसी, लकी तो मैं हूँ, मेरे पापा मर गए। अब ना ये उसने बहुत सरकास्टिकली कहा होता है, और तो और एक्चुअली सरकास्टिकली भी नहीं था। अब जो लूसी होती है ना, वो कहती है तुम्हें पता है यार मेरा मतलब क्या था, और ना ये कहकर मुँह बंद कर लेती है अपना। वो फटाफट अपना पर्स उठाती है, एक पैर पर खड़े होकर ना फटाफट अपना जूता पहनती है, और कहती है ना कि मैं आज रात को नहीं आने वाली, मैं ना एलेक्स के घर पर रुकूंगी, और दरवाज़ा बंद करके ना चली जाती है। अब जो लिली होती है ना, वो कहती है कि हमारे अंदर ना बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, सरफेस पे, ऊपर ऊपर से तो बहुत सारी चीज़ें आपको लगेंगी कि कॉमन है, जैसे कि हम लोग सेम साइज़ के कपड़े पहनते हैं, सेम एज है हमारी, हमारे जो अक्षर हैं नाम के वो भी 4 लेटर के हैं, उसका नाम लूसी है, मेरा नाम लिली है, एल से शुरू होता है, वाई पे ख़त्म होता है, हम दोनों का ही नाम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो काफ़ी होगा हम दोनों को रूममेट्स कहने के लिए, और अगर ये काफ़ी नहीं भी है ना तो भी मैं इसके साथ ठीक ही हूँ। अदर देन दिस, उसको बहुत ज़्यादा गाने गाना पसंद है, और उसके अलावा ना बाकी मैं सब उसकी जो चीज़ें हैं वो मैं सह सकती हूँ। वो थोड़ा साफ़ सुथरा रहना पसंद करती है, और तो और वो ज़्यादा घर में भी नहीं रहती। ये दोनों एक ऐसी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ना, जो हर एक रूममेट में होनी चाहिए। अब जो लिली होती है ना, वो क्या करती है, जो उसका शू बॉक्स होता है ना उसको खोलती है, इतने में क्या होता है ना उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वो काउच से उठ के ना फ़ोन उठाती है अपना, और वो देखती है ना तो उसकी मम्मी उसको कॉल कर रही होती है। अब वो क्या करती है ना, अपना फेस काउच में डाल लेती है, थोड़ा रोने की एक्टिंग करती है कि मैं थोड़ा रोने की दिखा दूंगी। अब जो अपना फ़ोन अपने कान पे लगाती है ना, कहती है हेलो। अब 3 सेकंड के बाद ना उसको आवाज़ आती है उधर से उसकी मम्मी की, वो कहती है ना हेलो लिली। अब जो लिली है ना, वो सीधे उठ के काउच पे बैठ जाती है, कहती है ना हाय मम्मी। और ना एक्चुअली में जो लिली थी वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी कि उसकी मम्मी उससे अभी भी बात कर रही है। अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है फ्यूनरल को, और तो और उसको लगा था ना उसकी तो मम्मी पूरे से साल भर बात नहीं करेंगी, लेकिन एक ही दिन बाद बात कर ली, तो मतलब 364 दिन थे ना, वो उसकी उम्मीद से पहले ही बात हो गई। अब जो लिली होती है ना, वो अपनी मम्मी से पूछती हो कैसी हो आप। अब उसकी मम्मी कहती है ना मैं ठीक हूँ, और तुम्हारे अंकल और जो आंट थे ना वो नेब्रास्का वापस चले गए आज सुबह ही, और आज पहली रात होगी ना जब मैं अकेली रुकूंगी उसके बाद से। अब जो लिली होती है ना, कहती है अरे मम्मी आप ठीक हो जाओगी, और ना कोशिश करती है दिखाने की भाई कॉन्फिडेंट है वो। अब लिली की मम्मी ना थोड़ी देर शांत रहती है और कहती है ना कि लिली तुम्हें ना बिल्कुल भी एम्बेरस फील करने की ज़रूरत नहीं है जो भी कुछ हुआ कल। अब जो लिली होती है ना, वो एकदम से चुप हो जाती है, और लिली मन में सोचती है ना मैं एम्बेरस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल इतना सा भी एम्बेरस नहीं हूँ मैं इस चीज़ को लेके। और फिर लिली की मम्मी कहती है ना कि हर कोई सहम जाता है जब कोई स्टेज पे आता है, और जिस तरीके का तुम पे प्रेशर था ना, मुझे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए था, मुझे पता है कि तुम्हारा मतलब बहुत ही ख़राब दिन था, तुम्हारे पापा का फ्यूनरल है तो तुम्हें भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, और मुझे ना तुम्हारे अंकल को कहना चाहिए था कि वो ये काम कर देते। अब जो लिली होती है ना, वो अपनी आंखें बंद करती है और मन में सोचती है ना कि लो मेरी माँ की फिर से नौटंकी शुरू हो गई, मतलब गलती मैं करती हूँ और वो हमेशा कवर अप करती हैं, जो मेरा गलती होती है ना उसका ब्लेम भी अपने सर पे लेती हैं। ऑफ कोर्स उन्हें ऐसा लग रहा था ना कि मैं एकदम से शांत हो गई, मैं कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी पता था। और जो लिली थी ना, वो भी चाहती थी, आधा मन तो था उसका कि वो सच बता दे कि वो जान पूछ के शांत हो गई वहाँ पे, और उसके पापा के बारे में ना उसके पास कुछ था ही नहीं अच्छा कहने के लिए, इसने कुछ बोला ही नहीं उसने, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी मम्मी का ना गिल्ट और ज़्यादा बढ़ा दे, स्पेशली ऐसे केस में। तो वो क्या करती है ना, जो उसकी मम्मी कह रही होती है वही ना उसमें हाँ में हाँ मिला देती है। अब लिली कहती है ना थैंक यू मम्मी, मुझे माफ़ करना, मैं एकदम से वहाँ सब कुछ भूल गई मैंने और सब कुछ ऐसा कर दिया। अब जो उसकी मम्मी होती है, कहती है अरे इट्स फाइन लिली, अब मुझे ना जाना पड़ेगा, कुछ इंश्योरेंस के ऑफिस जाना है मुझे, मेरी कुछ मीटिंग है इंपॉर्टेंट तुम्हारे पापा की पॉलिसीज़ को लेके, तुम ना मुझे कल कॉल करना ठीक है। अब जो लिली होती है ना, कहती है हाँ मैं आपको कल कॉल करूँगी, लव यू मॉम। अब जो लिली होती है ना, वो अपना फ़ोन फेंकती है और आराम से काउच पे बैठ जाती है, और अपने ना पैरों पे शू बॉक्स रख लेती है और ना उसको खोलना शुरू करती है, और जब वो शू बॉक्स खोल रही होती है ना, तो उस पर एक दिल बना हुआ होता है, हॉलो सा दिल बना हुआ होता है, खाली खाली सा ना। अब वो ना अपनी फिंगर्स उस पर चलाती है, और वो रातों को याद करती है जब उसको ये दिल मिला था,
और जैसे जैसे उसको वो मेमोरीज आती है ना, तो बिल्कुल एकदम उसको अजीब सा होने लगता है। और वो कहते हैं ना, जब आप पुरानी चीज़ों को याद करते हो तो वो ना आपको अलग ही लेवल की खुशी देती है। अब वो क्या कहते हैं, जब अपना पुराना बॉक्स खोलती है तो उसमें कुछ पुराने लेटर्स होते हैं, न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स होती हैं, और तो ना वो ये सोच रही थी कि भाई जो उसको चाहिए वो मिल जाए इन बॉक्सेस में। अब जो लिली होती है ना, वो सोच रही होती है कि भाई जो उसकी डायरीज थी, जो वो डायरी लिखा करती थी ना, वो उसको उस बॉक्स में मिल जाएगा, और वो उसको बॉक्स में मिल जाता है। वो अपनी डायरी को ना हमेशा कहती थी माय एलन डायरी। अब जो लिली होती है ना, वो अपना हाथ उन पर सहलाती है। अब वो देखती है ना कि उस बॉक्स में जो खोल रही होती थी ना, उसके अंदर 3 थी, और उसको ये लगता है ना कि मैंने तो 8-9 लिखी थी टोटल, और तो मैंने जब से उनको लिखा है ना, मैंने उसके एक भी बार उसके बाद से ना उनको पढ़ के नहीं देखा। और वो ये चीज़ एडमिट ही नहीं करना चाहती थी ना कि वो डायरी लिखती थी, क्योंकि उस वक्त ना वो लोग बहुत ज़्यादा यंग थे, तो डायरी लिखना ना बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लगता था, अरे यार क्या डायरी लिखते हो, तो बहुत पुरानी चीज़ है। इंस्टेड ना वो उसने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि भाई वो एक बहुत ज़्यादा कूल चीज़ कर रही है ना, तो इसलिए वो उसको ना डायरी बुलाती ही नहीं थी। तो लिली ने ना उसको एक नया नाम दे दिया, वो नाम दे दिया एलन डिजेनरेस। और जो ये एलन डिजेनरेस है ना, ये कॉमेडियन है, अमेरिकन कॉमेडियन है, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। क्योंकि जो लिली थी ना, लिली ने इनके शोज़ देखना शुरू ही करे थे 2003 में, और जब उस समय ना लिली काफ़ी छोटी थी, और लिली ना हर दिन स्कूल से आने के बाद इनका शो देखा करती थी एलन का, और तो उनको ना बहुत पसंद थी ये लिली। और लिली को ये लगता था ना कि अगर मैं इनको हर दिन लेटर लिखूंगी, और लिली ने ऐसा करा भी, वो हर दिन ना जब तक वो 16 साल की नहीं हो गई ना, हर दिन वो लेटर लिखती थी, लेकिन वो कभी भी लेटर को ना भेजती नहीं थी, वो उस लेटर को ना अपनी डायरी में लिख लिया करती थी। क्योंकि लिली को ये लगता था कि भाई कोई रैंडम सी लड़की एलन डिजेनरेस को लेटर लिख रही है, वो भी ऐसी चीज़ है जो मतलब उसके किसी काम की भी नहीं होंगी शायद, तो लिली ने ना उनको कोई भी अपना लेटर भेजा नहीं होता, और इसलिए ना वो अपनी डायरी को हमेशा एलन डिजेनरेस डायरी का नाम दिया था उसने, और वो ना हमेशा उसको लिखती रहती थी। लेकिन एक वक्त आया ना जब उसने पूरा लिखना ही छोड़ दिया, तो उसकी जो डायरी थी ना वो भी फिर बंद हो गई डायरी लिखना। और जब लिली अपना दूसरा बॉक्स खोलती है ना, तो उसमें देखती है कि और भी उसकी डायरीज रखी हुई होती हैं, और तो ना उनको उठाती है। अब जो लिली होती है ना, उसमें से वो एक को पकड़ लेती है, और उसने वो तब लिखी होती थी जब वो 15 साल की थी। अब वो ना उसके पन्ना खोल के ना पढ़ना शुरू करती है, और वो ढूंढती है ना कि वही वो वाला दिन को याद करे जब वो एटलस से पहली बार मिली थी। और एटलस के मिलने से पहले ना उसकी ज़िंदगी में कुछ खास हुआ नहीं था, भाई वो बेसिक सी चीज़ें लिखा करती थी, लेकिन तब तक उसने ना तब तक 6 डायरियाँ ऑलरेडी लिख चुकी थी। अब लिली ना कसम खाई थी कि वो इन डायरीज़ को ना कभी दोबारा नहीं पढ़ेगी, लेकिन उसने ये सोचा कि भाई उसके पापा मर गए, तो क्यों ना इन डायरीज़ को पढ़ के वो अपने बचपन को याद करे, शायद इन डायरीज़ को पढ़ने के बाद ना उसके अंदर थोड़ी सी दया वाली फॉरगिवनेस की भावना आ जाए कि वो माफ़ कर सके अपने पापा को। और तो उसको ये लगा था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई अगर मैं इन डायरीज़ को पढ़ूँ तो मैं और ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँ, या फिर बिल्कुल मेरे अंदर फिर रिजेंटमेंट आ जाए कि नहीं भैया मुझे नहीं माफ़ करना। अब वो क्या करती है ना, अपने आराम से काउच पर बैठ जाती है और ना पढ़ना शुरू करती है। अब जब वो अपनी डायरी का पहला पढ़ती है ना, तो उसमें लिखा होता है कि डियर एलन, इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊँ कि आज क्या क्या हुआ, मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारे नए शो के लिए, और उस शो का नाम होगा ना एलन एट होम। मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बहुत पसंद आएगी कि जब वो तुम्हें काम के अलावा अपने घर पे देखे। और मुझे ऐसा लगता था ना कि जब तुम अपने घर पे होती होगी पोटिया के साथ, और जो पोटिया है ना ये इनकी वाइफ है, तो बिना किसी कैमरे के जब तुम्हारे आसपास कोई कैमरा नहीं होगा, और जो प्रोड्यूसर्स होंगे ना वो उसको एक छोटा सा कैमरा दे देंगे और तुम्हें रिकॉर्ड करेंगे कैसे तुम टीवी देख रही हो, कैसे तुम खाना बना रही हो, कैसे तुम गार्डनिंग कर रही हो, और जब तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम एक्चुअली कैमरा पे थी ना, और इस शो का नाम होगा ना एलन एट होम, और इससे तुम डर जाओगी, और ये ठीक भी होगा क्योंकि तुम्हें ना प्रैंक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ ना कि कल मेरे साथ क्या क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और तो और ये उन चीज़ों में से है ना जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइट करती है, तभी मैं चीज़ के बारे में लिख रही हूँ। तुम यकीन नहीं मानोगी, जो एबिगेल आइवरी है ना, उसने चांटा मारा मिस्टर कार्लसन को, क्योंकि वो ना उसकी क्लीविज को देख रहे थे। तुम्हें याद होगा मैंने कुछ टाइम पहले तुम्हें बताया था मिसेस बुल्सन के बारे में, जो कि हमारे घर के पीछे रहा करती थी। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी ना कुछ रात पहले, तो उससे पहले वो मर गई। मेरे पापा ने मुझे बताया ना कि उनके ऊपर इतना कर्ज़ा था कि जो उनकी बेटी थी ना उसने मना कर दिया कि वो उस घर को नहीं लेगी, क्योंकि भाई कर्ज़ा बहुत सारा था, क्योंकि ये ठीक भी है। और तो जो घर था ना वो ऑलरेडी अब कूड़ा खंडा सा बन चुका है, क्योंकि भाई इतना सारा फाइनेंशियल बर्डन कौन लेगा, और उस घर का होगा भी क्या, उस चीज़ का फ़ायदा भी क्या है। अब जो घर है ना वो हमेशा खाली रहता है, और जो मिसेस बुल्सन थी ना जब से वो मरी हैं, उस बात को 2 साल हो चुके हैं, और मुझे पता है वो घर खाली रहता है। मेरे बेडरूम में जो खिड़की है ना उससे साफ दिखाई देता है कि जो घर है ना वो बिल्कुल खाली हो चुका है, और तो और वहाँ कोई भी आया जाया नहीं है जब से ये सब कुछ हुआ है। लेकिन पिछली रात ना कुछ हुआ, मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी, और मैं ना क्या कर रही थी, जो कार्ड्स थे उनको शफल कर रही थी। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ना उल्टा साउंड करे, बट मैं ये काम करती हूँ। मुझे नहीं पता मुझे कार्ड्स कैसे खेलते हैं, मुझे कार्ड्स खेलना नहीं आता, लेकिन जब भी मेरे पापा
मेरे जो पेरेंट्स हैं वो फ्लाइट्स में होते हैं ना, तो वो लोग कार्ड को ना फेंटी मारते हैं, शफलिंग करते हैं, तो ये देख के ना मुझे बड़ा आरामदायक सा सुकून सा मिलता है और तो वो एक फोकस करने का ना जरिया मिल जाता है। एनीवे अब मैं वापस स्टोरी पे आती हूँ। तो क्या था ना, बहुत ज़्यादा अंधेरा था बाहर, मैंने नोटिस करा ना कि किसी ने ना वहाँ पे लाइट जलाई, और वो लाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मतलब लोग उसको नोटिस करें, और ना उस पुराने घर में से लाइट आना एक बड़ी अजीब सी बात थी, और ऐसा था ना किसी ने मोमबत्ती जलाई हो। अब क्या हुआ, मैं वहाँ पीछे को गई, अब मैंने जो पापा का कमरा था मैं वहाँ पे गई, मैंने जो पापा के बाइनोकुलर्स थे ना मैंने वो उठाए, और मैंने देखने की कोशिश करी कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन मुझे कुछ दिखा नहीं क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था। और कुछ देर बाद ना जो लाइट जो जल रही थी वो बुझ गई। आज सुबह जब मैं अपने स्कूल के लिए तैयार हो रही थी ना, तो मैंने देखा ना अंदर से कुछ हिलने की आवाज़ आई, उस घर में ना कुछ हिल रहा था, और जब मैंने देखा ना अपने बेडरूम की विंडो से, तो मैंने देखा कि कोई बंदा ना उसके बाहर निकला। वो एक लड़का था जिसने बैग पैक कर रखा था, अपना बैग टांग रखा था। पहले उसने ना आसपास देखा, जब उसको लगा कि हाँ उसको कोई नहीं देख रहा, वो उस घर से निकला और हमारे और उनके घर के बीच में जगह थी ना, वहाँ से निकलता हुआ सीधे बस स्टॉप पे आके खड़ा हो गया। और मैंने ना उसको पहले यहाँ कभी नहीं देखा, उसने वही बस पकड़ी जो मैंने बस पकड़ी, वो मेरे पीछे बैठा था, तो मैंने ना उससे बात नहीं करी। लेकिन ना जहाँ पे स्कूल था वो वहाँ पे उतरा, और मैंने उसको देखा ना कि वो स्कूल की तरफ जा रहा था, तो हो सकता है वो स्कूल में पढ़ता हो। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो उस घर में क्या कर रहा था, क्योंकि उस घर में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई पानी नहीं आता, तो हो सकता है उसके दोस्तों ने ना उसको कहा हो कि भाई आज तेरे को रात को ना डेयर आई है तो वहाँ जाके रहेगा। लेकिन वो आज फिर से उसी जगह उस घर से निकला और सेम बस स्टॉप से स्कूल गया। पहले तो ना जब वो वापस स्कूल से आया ना, तो पहले तो वो गली में चला गया, दूसरी गली में, ताकि उसको कोई शक ना करे कि वो आसपास ही रहता है। फिर मैं ना भाग के अपने कमरे में गई और मैंने खिड़की से नज़र दौड़ाने लगी कि वो क्या है। वो थोड़ी देर बाद ना लड़का घूमता घामता हुआ और वापस उसी घर में चला गया। मुझे नहीं पता ये चीज़ मुझे अपनी मम्मी को बतानी चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मैं नहीं चाहती ना मैं किसी दूसरे की चीज़ों में अपनी नाक घुसेड़ूँ, क्योंकि मेरा कोई काम है ही नहीं इस चीज़ से रिलेटेड। फिर लिली सोचती है ना कि अगर मैं इस लड़के की मदद कर दूँगी, क्योंकि इसके पास कहीं रहने की जगह नहीं है ना, तो मेरी मम्मी, अगर मैं मम्मी को बता दूँगी तो शायद इसकी थोड़ी हेल्प हो जाए, क्योंकि वो ना स्कूल में काम करती है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ, लेकिन मैं कुछ दिनों का इंतज़ार करूँगी। मैं कुछ दिनों का इंतज़ार करती हूँ इससे पहले अपनी मैं मम्मी को कहूँ। मुझे इस बारे में ना कुछ भी पता नहीं था, मैंने कुछ दिन का इंतज़ार करा कि मैं कुछ कहूँ, क्योंकि मुझे लगता था ना हो सकता है ये अपने मम्मी पापा से थोड़ा दूर भाग के आ गया हो, हो सकता है इसको अपने माँ बाप से कुछ दिनों का ब्रेक चाहिए हो, और हो सकता है शायद ऐसा कुछ हो, और हो सकता है ना कि शायद ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं भी कई बार यही चाहती हूँ और मुझे नहीं पता। तो यही सब कुछ था, एंड जो बाकी चीज़ें होंगी ना वो मैं तुम्हें कल बताऊँगी। लिली अब जब वो आगे डायरी पढ़ती है ना, तो उसको दूसरे दिन का पढ़ती है जो उसने लिखा होता है, उसने लिखा होता है ना कि डियर एलन, मैं ना हमेशा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ जब तुम डांस करती हो, जब भी मैं तुम्हारा शो देखती हूँ, तो मुझे तुम्हारा शो ना स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है जब डांस हो रहा होता है, लेकिन जैसी चीज़ें आगे ऑडियंस को जाती हैं, तुम डांस वांस करती हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग सा फील होता है, क्योंकि मुझे ना तुम्हें डांस देखते हुए करना पसंद नहीं है, मैं पसंद करती हूँ जब तुम बातें करती हो। आई होप तुम इस चीज़ को लेकर ना थोड़ा गुस्सा नहीं होगी। ओके, तो मैं तुम्हें बताती हूँ उस लड़के का क्या हुआ। एंड हाँ, वो लड़का उसी घर में रहता है, कई मैं पिछले दो दिन से उसको नोटिस कर रही हूँ और वो वहीं पर रहता है। एंड ये बात ना मैंने किसी को भी नहीं बताई है। जो लड़का है ना उसका नाम है एटलस कोरिंगन, और तो और वो हमारा सीनियर है, बस मुझे उसके बारे में इतना ही पता है। और ये चीज़ ना मुझे केटी ने बताई, क्योंकि केटी ना उसके बस के बगल में बैठ गई थी, और केटी ने ना मुझे उसका नाम बताया, और उसने बताया ना कि उसके बारे में ना कुछ और बताने जैसा कुछ है नहीं जो कि उसको पता हो, लेकिन उसमें से ना बहुत ज़्यादा बदबू आती है, और उसने ना एक ख़राब सी गंदी सी नोज़ बना ली कि मतलब छी, ऐसा इतनी बदबू आती है उससे। अब जो लिली थी ना वो उसको डांटना चाहती थी कि भाई वो ऐसे घर में रहता है जहाँ पानी नहीं आता, लेकिन अब लिली कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि वो उसका एक हो सकता है सीक्रेट हो, और लिली को ना बस थोड़ा बहुत ही उसके बारे में पता था, और कहीं ऐसा ना हो अगर लिली उसके सामने बोल देगी तो जो उसका सच, बेचारे का लड़के का जो सच है ना वो बाहर आ जाएगा। अब जब लिली अपने घर में जाती है ना वापस स्कूल के बाद, तो क्या करती है, अपने बैकयार्ड में जाती है, जो उसका गार्डन का काम होता है ना वो कर रही होती है। उसने जो मूली लगाई होती है ना वो उसको निकाल रही होती है ज़मीन से, और जो मूली होती है ना सिर्फ वही एक ऐसी चीज़ होती है ना उसके गार्डन में बची होती है, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा ठंड है तो कुछ भी उग नहीं सकता वहाँ पे। अब जो लिली थी ना वो और ज़्यादा इनका वेट नहीं कर सकती थी, अपनी मूली को उखाड़ना शुरू कर देती है, इसलिए वो अब वो नोटिस करती है ना कि उसमें से जो उसकी कुछ मूलियाँ होती हैं वो गायब होती हैं। अब उसको ये लगता है ना यार ये मूली किसने उखाड़ी है यहाँ से, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स है ना उसके पेरेंट्स को पता था कि भैया जब लिली गार्डनिंग का काम करती है ना उसके बीच में दखलंदाजी नहीं करनी, तो कौन हो सकता है ये। तभी लिली का ध्यान ना एटलस पे जाता है, और उसको ये लगता है ना हो सकता है शायद उसने निकाली हो, क्योंकि वो जिस घर में रहता है ना उस घर में पानी तक तो है ही नहीं, तो उसको खाने पीने की भी दिक्कत होती होगी। अब लिली क्या करती है ना, फटाफट अपने कमरे में जाती है,
कुछ सैंडविचेस जो उसने रखे होते हैं ना वो निकाल लेती है, दो सोडा की बोतल फ्रिज से निकालती है, कुछ चिप्स के पैकेट निकालती है, उनको ना एक लंच बैग में डालती है फटाफट, और क्या करती है उस घर के पास जाती है और चुपचाप ना उस घर की डोरबेल बजाती है और ना उस घर के बाहर रख के ना चली जाती है। अब लिली को ये लगता है ना कि पता नहीं उसने मुझे देखा है या नहीं देखा, और वो ना फटाफट भाग के अपने घर में आ जाती है ताकि वो देख सके कि उसने सामान लिया या नहीं लिया। और जब तक लिली ना अपने घर में आती है, खिड़की से झांक के देखती है ना कि वो सामान है या नहीं है वहाँ पे, जो बैग था ना वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुका था। उस वक्त ना लिली को ये पता चलता है कि वो लड़का भी उसको देख रहा था, और ये चीज़ ना लिली को नर्वस कर देती है, क्योंकि अब उसको पता था कि भाई वो लड़का वहाँ रहता है और उस लड़के को भी पता है कि जो लिली है ना एक लड़की है वो यहाँ रहती है। और लिली है ना वो कहती है मुझे नहीं पता कि मैं उससे क्या कहूँगी अगर वो मुझसे बात करने की कोशिश करेगा कल। लिली, तो इस नोट पे होती है वीडियो ख़त्म, एंड आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।